हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। मतलब कि गाइस, आप लोगों को पता ही है, जो जो भाई इंडियन GTA 5 खेलता है, यानी कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम खेलते हैं भाई, उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और गाइस, प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने मतलब यूट्यूब पे जाके सबसे पहले आप लोग देख लेना भाई, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप लोग को मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि भाई कोई एक जू क्रिएट कर रहा है, कोई भाई एक घर बना रहा है, कोई घर को मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो गाइस, वो लोग कैसे कर पाते हैं, चलिए उसी को मैं बताऊंगा। बट जब आप लोग इसको करने जाओगे भाई, आपके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब अगर मान के चलिए आप लोग एक घर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, भाई अपने हिसाब से आप लोग टाइल्स लगाना चाहते हो, बहुत सारे मतलब मॉडिफिकेशन अपने घर के अंदर में आप लोग करना चाहते हो, बट जैसे आप लोग RGS टूल पे जाके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक भाई ट्री जो है स्पॉन कर लिया है, बट आप लोग देख सकते हो मैं ट्री को बिल्कुल भी मतलब इधर उधर मूव नहीं करा पा रहा हूँ, ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो भाई मैं अपने हिसाब से इसको कैसे लगा पाऊंगा, कैसे इसको मॉडिफिकेशन कर पाऊंगा, यही मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि कैसे आप लोग सभी चीज़ों को भाई मूव कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप लोग मूव करने की कोशिश करोगे भाई, बिल्कुल भी ये पेड़ नहीं हिलेगा, ना ही ये नेट हिलेगा, ना ही ये टाइल्स हिलेगा, भाई कुछ भी नहीं हिलेगा, ये फिक्स रहेगा। बट आज मैं आपका उसी प्रॉब्लम का भाई 100% सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, और ये जो है गाइज 100% वर्क करेगा, और मतलब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो वीडियो को आप लोग को शुरू से अंत तक देखना है, तो भी आप लोग को सभी चीज़ें जो है एक एक करके समझ में आएगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए गेम को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइज, अपना गेम स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग शुरू से भाई जानेंगे मतलब कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब क्लियर कर देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्री को स्पॉन करने वाला हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ सबसे पहले गाइज एक चीज स्पॉन करके। ओके गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना ट्री भाई यहाँ पे स्पॉन हो चुका है। एंड अभी सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या ये मूव करेगा, ऐसे नॉर्मली मूव करेगा या नहीं, वो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ। गाइज, आप लोग देख सकते हो मेरा जो भाई ट्री है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। मैं इसको अपने हिसाब से नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको नहीं रखना है, दूसरे जगह पे इसको लगाना है, तो मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। एंड बहुत कोशिश कर रहा हूँ गाइज कि ये मूव हो जाए, बट ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है यहाँ पे, और अभी मैं इसको मूव नहीं करा पाऊंगा। तो इसका जो सोल्यूशन है गाइज, मैं बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, और एक दो चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं क्या वो मूव करेगा, क्या हो सकता है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो। तो चलिए गाइज, दूसरा चीज़ यहाँ पर स्पॉन करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पॉन कर लेता हूँ, और लाइक मैं सबसे पहले यहाँ पे एक नेट स्पॉन करता हूँ जो कि वॉल पे गाइज लगता है। ओके गाइज, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक नेट जो है भाई यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, बट इसको मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। मतलब इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है गाइज, मतलब ये भी वर्क नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, और ना ही एक मतलब किसी तरह से मैं इसको कहीं ले जा सकता हूँ, और ना ही इसको लगा सकता हूँ। ये जहाँ पे एक जगह पे फिक्स हो चुका है गाइज, यहीं पे ये रहेगा, ना ही ट्री को मैं मतलब इधर उधर हिला सकता हूँ, ना ही गाइज ये नेट को मैं इधर उधर ले जा सकता हूँ, मतलब दोनों ही चीज़ें बिल्कुल फिक्स है। तो कैसे इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा सबसे पहले, और थोड़ा सा ट्राई कर लेते क्या पता इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो गाइज। नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है भाई इशू है, और ये इशू को मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को RGS टूल पे जाना है, एंड कोई भी चीज़ आप लोग को यहाँ पे सिंपल स्पॉन कर लेना है। तो मैं एक मतलब यहाँ पे नेट को फिर से स्पॉन करने वाला हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे कैसे उसको मूव कराएंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे एक जो नेट है वह स्पॉन कर लिया, आप लोग को सिंपली ऐसे एक स्पॉन कर लेना है नेट, उसके बाद मतलब कोई भी आइटम आप लोग यहाँ पे स्पॉन कर सकते हो। तो अभी आप लोग को क्या करना होगा कि ये जो नेट है भाई मूव करने लगेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना है ताकि आपका जो भाई नेट है वो मूव करेगा। तो अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो ये मूव नहीं कर रहा है, तो अभी मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज, आप लोगों को अपने RGS टूल पर जाना है, एंड RGS टूल पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली भाई लिखना है मोड ऑन। जैसे आप लोग मोड ऑन लिखोगे गाइज, अभी आप लोग देखना, कमाल देखना इसका, ठीक है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पे मोड ऑन हो चुका है, एंड अभी आप लोग देखना ये कैसे मूव करेगा। देख सकते हैं गाइज आप लोग अपना जो भाई मतलब नेट है वो बिल्कुल मूव कर रहा है, और अपने हिसाब से अभी हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग चाहे तो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, घर के अंदर ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। अभी आप लोग देखना, मैं इसको वॉल पर सेट करने वाला हूँ, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा भाई खूबसूरत भी लगेगा। तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए गाइज मैं इसको इधर उधर ले जा सकता हूँ, एंड अभी आप लोग देखना मैं इसको कैसे सेट करता हूँ। ये देखिए गाइज, मैं इसको दीवार के ऊपर भी ऐसे लगा सकता हूँ, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भाई स्मूथली इधर उधर हो रहा है, मूव हो रहा है। तो मैं इसको सिंपली कहीं भी लगा देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर में लगाता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, और देखने में काफ़ी ज़्यादा भाई प्यारा लग रहा है। तो ऐसे करके मतलब आप लोग इस चीज़ को भी मूव कर सकते हो गाइज। और मैं एक दो चीज़ आप लोग को स्पॉन करके दिखाऊँ, तो ताकि आप लोग को भाई मतलब ये मतलब समझ में आ जाए कि सच में ये जो है चीज़ें वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ट्री जो है भाई स्पॉन कर लिया है, एंड अभी मैं इसको एक सेकंड इसको मैं मूव करके दिखाता हूँ। ओके गाइज, आप लोग देख सकते हो मैंने इसको भाई इजीली मूव कर दिया, और अभी मैं इसको यहाँ पे जाके लगा देता हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो भाई मैंने ट्री को भी यहाँ पे लगा दिया, नेट भी लगा दिया है, मतलब दोनों चीज़ अच्छी तरीके से स्मूथली एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जा पा रहे हैं।
तो गाइज आप लोग कुछ इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो एंड अपने हिसाब से भाई सिटी क्रिएट कर सकते हो, एक मतलब अपने घर को भाई मॉडिफाई कर सकते हो, एक जू क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। भाई मैंने यहाँ पे एक टाइल्स स्पॉन कर लिया एंड अभी आप लोग देखना मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ। ये देखो भाई इस तरह से आप लोग एक रोड भी बना सकते हो जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप लोग देख सकते हो भाई इसको, एक सेकेंड मैं इसको इस तरफ लगा देता हूँ। एंड गाइज एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि गाइज मैंने अपना जो घर है भाई उसको मॉडिफाई किया था, उसका अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा भाई देखने में खूबसूरत हो गया था अपना घर क्योंकि अच्छी तरीके से हम लोगों ने मॉडिफाई किया था एंड बहुत नई नई चीज़ें भाई हम लोगों ने उस मतलब घर के अंदर में ऐड किया था उस वीडियो के अंदर में। बहुत ज़्यादा भाई मस्त वीडियो है तो उसको जाके आप लोग एक बार जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे फिर से मैंने एक यहाँ पे टाइल्स अलग टाइल्स जो है भाई यहाँ पे मैंने स्पॉन कर लिया और इसको मैं इजीली मूव कर पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस इसी तरह से आप लोग को सभी चीज़ें जो है भाई यहाँ पे मूव करना है, मतलब इसी तरह से आप लोग कर पाओगे। जैसे आरजीएस टूल पे आप लोग जाओगे, मोड ऑन लिखोगे, गाइस सभी चीज़ें मूव करना स्टार्ट हो जाएगा एंड इजीली अपने हिसाब से आप लोग कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, आई होप आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा एंड जो प्रॉब्लम था आपके साथ गाइस वो भी सॉल्व हो चुका होगा एंड इजीली आप लोग इस तरह से सभी चीज़ों को यहाँ पे कर पाओगे, इधर उधर मूव कर सकते हो। बाकी आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।